वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़, एंड वेलकम टू फ्लाहा एकेडमी। इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज ऑफ ऑट टू। जी हाँ, ऑट टू। ऑट का, ऑट के साथ हमेशा टू लगता है, ये चीज़ का ध्यान रखें। ऑट टू का जो प्रयोग करते हैं बिल्कुल शुड जैसा ही होता है, लगभग बिल्कुल डिट्टो। ऑट टू और शुड एक ही है, ऑट टू और शुड एक ही है। आपको मैं इसके अलग अलग तरीके से बता देता हूँ आपका ऑट टू का किस तरीके से यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑट टू का यूज़ आप किसी को एडवाइस देने में, ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व, ड्यूटी, कर्ता पालन करने में, इन सब में आप ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इनका यूज बिल्कुल जस्ट लाइक शुड। जैसे यू ऑट टू कंसल्ट अ फिजिशियन, यू ऑट टू कंसल्ट अ फिजिशियन, आप एडवाइस दे रहे हैं कि आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है आपका मोरल ड्यूटी आ रही है, मोरल ड्यूटी। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। इसमें वी ऑट टू हेल्प अवर फ्रेंड्स, वी ऑट टू हेल्प अवर फ्रेंड्स, हमें हमारे दोस्तों की मदद करनी चाहिए, हमारी मोरल ऑब्लिगेशन आ गए हैं। तो बिल्कुल जैसे शुड का यूज़ करते हैं वैसे ही आपका ऑट टू का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ऑट के साथ नॉट का प्रयोग जब करते हैं, जब आपको कोई जिम्मेदारी दी, कोई दायित्व दिया गया हो और वो नहीं किया गया हो, तो उसमें आपका ऑट टू का यूज़ किया जाता है। जैसे यू ऑट नॉट टू ट्रीट योर फ्रेंड लाइक दिस, यू ऑट नॉट टू ट्रीट योर फ्रेंड्स लाइक दिस, यू ऑट नॉट टू ट्रीट योर फ्रेंड लाइक दिस। तुम्हें तुम्हारे दोस्त किस तरह से, तुम्हें तुम्हारे दोस्त से इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये चीज़ सिखाते। इसमें दायित्व भी की बात होती है। चिल्ड्रेन ऑट नॉट टू वॉच टीवी सोलो, चिल्ड्रेन ऑट नॉट टू वॉच टीवी सोलो, चिल्ड्रेन को बच्चों को ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, उनका दायित्व, उनको बच्चों का ये दायित्व उनको ज़्यादा टीवी लंबे समय तक नहीं देखना चाहिए। तो इसमें हम जब कोई दायित्व की बात होती है और जो पूरा नहीं करते बच्चे, जनरली जो पूरा नहीं होते लेकिन दायित्व की बात है, उसमें हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। अब ऑट टू का यूज़ परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। तो परफेक्ट टेंस में ये करने के लिए किया जाता है कि कोई काम होना चाहिए था बट हुआ नहीं, कोई काम हो रहा था या होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं, तो उसमें क्या है आपका परफेक्ट टेंस में यूज़ करो। मैं आपको बता दूं मॉडल्स का जनरली परफेक्ट टेंस तभी यूज़ करते हैं जब कोई काम होना चाहिए था लेकिन हुआ ना हो, तो हम उसमें किसका यूज़ करते हैं आपका मॉडल्स की यूज़ करते हैं। तो ऑट टू का भी इसी तरह यूज़ होता है। जैसे शी ऑट टू हैव इन्वाइटेड हिम इन दी फंक्शन, मतलब वो उसको फंक्शन में इन्वाइटेड करना चाहती है, चाहिए, बट शी डिडंट इन्वाइट, लेकिन उसने उसको इन्वाइट नहीं किया है। तो यहाँ पे हम इसलिए किसका यूज़ कर रहे हैं, ऑट टू का यूज़ कर रहे हैं। अब आपको मैंने बताया था कि ऑट टू का यूज होता है बिल्कुल शुड के जैसा होता है, जहाँ जहाँ यूज ऑफ शुड है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि जो आपको फॉर्मल नोटिस वगैरह के लिए आप ऑट टू की जगह शुड का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी अब अगला यूज़ इसका आता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑट टू का प्रयोग हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस सभी में एक समान रूप से ही करते हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, सभी में एक जैसा ही यूज़ का यूज़ होता है। जैसे आई ऑट टू टॉक टू हिम टुडे, I ought to talk to him today, ये present tense हो गया, है ना। I ought to talking to him tomorrow, मतलब ये हो गया मैं, मुझे उससे आज बात करनी चाहिए, और I ought to talk to him tomorrow, मतलब मैं उससे कल बात करूँगा या कल बात करना चाहूँगा, मतलब ये future हो गया। तो चाहे future हो, चाहे past हो, चाहे आपका present हो, सभी में आपका एक ought to ही रहेगा, change नहीं होगा। तो होप यू गाइस आपको ये यूज़ ऑफ ऑट टू समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और जी हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो पे कमेंट करें, हमें रिव्यू दें, आप हमें बताएं कि आपको वीडियो किस तरीके से लग रहे हैं, आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।